हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस 2 मिनट सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। आज हम एनवायरनमेंट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है बॉर्न कन्वेंशन, उसको कवर करेंगे। बॉर्न कन्वेंशन को जाना जाता है कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज़ या CMS के नाम से भी, राइट। अब पहली चीज़ जो आपको जाननी है कि ये किसके अंडर आता है, ये आता है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंडर, जिसको UNEP भी कहा जाता है। और इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको प्री में, या एक ऑप्शन की फॉर्म में आ सकता है ये, राइट। और इट इज़ दी ओनली ग्लोबल एंड UN बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो कि है कॉन्जर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज़ के लिए। और इसमें टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों आती हैं, एंड इन फैक्ट उनकी थ्रू आउट जितनी भी रेंज है, क्योंकि माइग्रेटरी स्पीशीज़ एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करेंगे, तो नॉट ओनली इन देयर एरियाज ऑफ ओरिजिन या जहाँ पर वो माइग्रेट करके जाएंगे, बट ऑल्सो थ्रू आउट देयर रेंज इनकी कॉन्जर्वेशन और मैनेजमेंट के लिए वी हैव CMS, ऑल्सो नोन एज बॉर्न कन्वेंशन। अब जैसे कि आपने जितनी भी कन्वेंशन देखी हैं, COP होता है, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी क्या रहता है, डिसीजन मेकिंग बॉडी है, डिसीजन मेकिंग ऑर्गन है ऑफ द कन्वेंशन, राइट। अब ये जो कन्वेंशन है 1979 में साइन की गई थी बॉन में, हेंस द नेम बॉन कन्वेंशन। बॉन जगह है जर्मनी में, एंड इट केम इनटू फोर्स इन 1983, एंड एवर सिंस इंडिया हैज बीन अ मेंबर ऑफ बॉन कन्वेंशन, राइट। हेडक्वार्टर्स भी बॉन जर्मनी में ही है। अब कौन सी स्पीशीज कवर होती है, राइट फ्रॉम द मैमल्स, बर्ड्स। अब ना हम माइग्रेटरी स्पीशीज सोचते हैं तो हम सिर्फ बर्ड्स को इमेजिन करते हैं, नहीं, मैमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, रिप्टाइल्स, फिशेस, एवरीथिंग जो भी माइग्रेट करता है, दे आर कवर्ड बाय द CMS, ठीक है, ये चीज़ आपको जाननी है। उसके बाद इसमें दो अपेंडिसेस आते हैं, Appendix 1 एंड Appendix 2। जो Appendix 1 है उसमें वो स्पीशीज़ आती हैं जो इंडेंजर्ड हैं, जिनकी कंजर्वेशन इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस, ठीक है। अब वो अगर इंडेंजर्ड है तो माइग्रेशन के दौरान वो उनको कोई ख़तरा ना हो, उसके वो जो स्पीशीज़ हैं उनकी प्रोटेक्शन इंश्योर करता है CMS। और ऐसी स्पीशीज़ जो इंडेंजर्ड है वो आती है Appendix 1 में। Appendix 2 में वो वाली स्पीशीज़ हैं जिनकी कंजर्वेशन ज़रूरी है, ठीक है, और अगर उनकी अभी जो उनका स्टेटस है, उनका अनफेवरेबल कंजर्वेशन स्टेटस है, और इंटरनेशनल अटेंशन, इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स आर रिक्वायर्ड ताकि उनकी कंजर्वेशन और मैनेजमेंट हो सके, ठीक है, तो वो Appendix 2 में आती हैं। बट द वंस विच आर थ्रेटन्ड विद एक्सटिंक्शन या जो काफ़ी इंडेंजर्ड है वो Appendix 1 में आती हैं, राइट। उसके बाद अगर हम इंडिया एंड बॉर्न कन्वेंशन की बात करें तो 1983 से इंडिया हैज़ बीन अ पार्टी टू CMS। और उसके बाद अभी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से हम इसे डिस्कस कर रहे हैं, वो ये है कि जो नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, 13 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, वो इंडिया होस्ट करेगा इन गांधीनगर इन गुजरात इन 2020, राइट। और इसके बाद जो यहाँ पे मैस्कट रहेगा इस इवेंट का, वो क्या है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसको फॉन्डली GB भी कहा जाता है। और आप ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में भी जान लीजिए कि ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, राइट, और ये कौन सी स्टेट का बर्ड है, एटसेट्रा। और 129 पार्टीज एंड NGOs, कंजर्वेशनिस्ट, सब आएंगे इस इवेंट को, जो कि 2020 में होगा, राइट। सो दिस इज अबाउट द बॉर्न कन्वेंशन, सो रीड अबाउट इन डिटेल दिस ईयर।